बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ डर्माकॉस की बिल्कुल बेसिक सी नॉर्मल सी क्लिनजिंग। ठीक है, अगर हमारे पास डर्माकॉस का एक पूरा सेट पड़ा है और हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहते हैं मुझे बेसिक सी क्लिनजिंग चाहिए, तो हम किन प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और किस तरह से यूज़ करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया है फेस वॉश डर्माकॉस का, अच्छी तरह से थोड़ा सा क्वान्टिटी में हाथों में ले लेंगे और फिर हाथों से इसको पूरे फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। और इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन और हाथ दोनों ड्राई हो रहे हैं, तो आप अपने हाथों को अच्छी तरह से वेट कर लोगे ताकि प्रोडक्ट की एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह से आपको बेसिक से स्टेप्स करने, कोई आपको स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है फेस वॉश के दौरान। ओके, अच्छी तरह से आप देखो किस तरह से मैं लगा रही हूँ, ताकि जितनी भी डस्ट और डर्ट है, इसका जो पर्पज़ है ना, सिर्फ वो ये है फेस वॉश को यूज़ करने का, कि जो भी हमारी स्किन पे डस्ट है और डर्ट है ना, वो रिमूव हो जाए, ताकि हम इसके बाद जितने भी प्रोडक्ट अप्लाई करें ना, वो अच्छी तरह से हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर दे। क्योंकि अगर हम फेस वॉश नहीं करते हैं ना, तो हमारी स्किन के ऊपर जो गंदगी की एक लेयर है ना, वो रहती है और हमें फेशियल का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आप लोग चाहे नॉर्मल फेशियल करो, चाहे अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा कोई जेंसन का फेशियल करो, उसमें आप लोग अपना फेस वॉश ज़रूर करो। ठीक है, अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हो, 2 से 3 मिनट तक आप ये स्टेप्स करोगे और उसके बाद ठंडा थोड़ा सा, जो मैंने बताया ना फ्रिज वाला पानी, वो ले लिया करो। मतलब बहुत ठंडा भी नहीं, इस वक्त वेदर चेंज हो गया है, तो आप नॉर्मल जो फ्रिज वाला पानी होता है वो ले लो और उससे अच्छी तरह से उसको रिमूव कर लो। इसके बाद जो मैंने लिया है वो लिया है क्लिनजिंग, और क्लिनजिंग जो मैंने लिया है वो लिया है कुकुम्बर। ठीक है, ये डर्माकॉस का प्रोडक्ट है, आप लोगों को लोकली मार्केट में बहुत 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 ईजीली मिल जाएगा। डर्माकॉस की सीरीज चल रही है ना, डर्माकॉस सारे प्रोडक्ट्स के साथ हम किस तरह से अलग अलग फेशियल्स करते हैं, मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी बाकी वीडियो नहीं देखी, तो मैं वीडियो को यहाँ पर लगा रही हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। ओके, अच्छा जी, अच्छी तरह से सबसे पहले हमने क्लिनजिंग लिया है, और क्लिनजिंग लेके हम सबसे पहले अपने नेक के मसाज को फॉलो करेंगे। पहले अपवर्ड करेंगे, सर्कुलर मोशन में करेंगे, सिजेरियन करेंगे, ये सारे स्टेप्स 8-8, 9-9 टाइम्स करके हम अपने नेक के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने शोल्डर वाले पार्ट पे। थंब की मदद से बैक ऑफ द शोल्डर, इंशाल्लाह बैक का मसाज प्रॉपरली मैं डिटेल में आप लोगों को, क्लाइंट को बिठा के बताऊंगी, ताकि आप लोगों को प्रेशर पॉइंट के साथ समझ आ जाए। अच्छी तरह से थंब से सारे शोल्डर को पीछे की तरफ से दबाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अब वो किस तरह से करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे किसी वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, इसके बाद बारी आ जाती है हमारे चीक्स की, चिन की। ओके, सबसे पहले प्रोडक्ट को अच्छी तरह से पूरे फेस पे फैला दो और चीक्स पर अच्छी तरह से रगड़ना है। ठीक है, हाँ, अगर क्लाइंट की स्किन के ऊपर एक्नी है, मोटे मोटे दाने हैं, तो फिर इस तरह से इन हाथों के साथ मसाज हम नहीं करेंगे। वो मसाज भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को आगे की वीडियोज़ में देखने मिल जाएगा। ठीक है, मैं टाइट मसाज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्लाइंट की एज है 30 अबव, और इनको चाहिए एक अच्छा सा स्किन जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन हो जाए, ताकि जो स्किन है वो यंग हो जाए। ओके, अगर हमारे स्टेप्स और हमारा जो बैलेंस होता है ना, वो एक अच्छा होता है ना, तो हमारी स्किन पे प्रोडक्ट से ज़्यादा जो है ना, हमारे हाथों का कमाल होता है। ठीक है, वैसे तो प्रोडक्ट का भी अपना कमाल है ही है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी। डर्माकॉस के प्रोडक्ट्स बहुत 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 इफेक्टिव प्रोडक्ट्स है, एवरग्रीन प्रोडक्ट्स है, बहुत बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, और स्पेशली बात ये कि बिल्कुल बिल्कुल अपने प्योर पाकिस्तानी, और जो है ना, आराम से ईजिली अवेलेबल है, हर जगह पर मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन साथ साथ हमारे हाथों का भी कमाल होता है, एक अच्छे प्रेशर के साथ जितना क्लाइंट बर्दाश्त कर सकता है, इसके फॉरहेड पर, हेड पर मसाज करेंगे, आइस पर, आइस के पास जो है ना, हम बिल्कुल हल्के से सर्कुलर मोशन में करेंगे, क्योंकि अगर आइस को हम बहुत जोर से दबाएंगे तो फिर ऐसा नहीं कोई मतलब प्रॉब्लम हो जाए क्लाइंट को। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत सॉफ्टली करेंगे, लेकिन हेड पर, चीक्स पर, यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइट हाथों से करेंगे, ताकि जो स्किन है ना, वो एक लिफ्ट भी हो जाए हमारी। ओके, जबकि ये बिल्कुल बेसिक क्लिनजिंग मैं आप लोग को बता रही हूँ, लेकिन थोड़े से स्टेप्स अगर हम अच्छे कर देते हो, क्लाइंट खुश हो जाता है, तो फिर ये हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं ना, क्योंकि पैसा कमाने ही मकसद नहीं होता है, हमारा काम अच्छा हो और चीज़ अच्छी होनी चाहिए। ओके, अच्छा, हेड के ऊपर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाज कर लिया करो, लाइक अगर आप एक स्टेप को 1 मिनट कर रहे हो, तो इसकी जगह आप लोग 2.5 से 3 मिनट कर लोगे, तो क्लाइंट को बहुत 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 रिलैक्सेशन मिलता है। क्योंकि अगर हम 2 या 3 बार स्टेप करते और फिर हम वापस चीक्स पर आ जाते, फिर हम हेड पर जाते, तो वो सुकून नहीं मिलता है। तो मेरी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड भी हो जाती है, कट होके भी मिल रही होती है आप लोगों को, मतलब एडिटिंग के साथ होती है, तो प्रॉपर मसाज आप लोग नहीं देख पाते। इंशाल्लाह मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ एक क्लिनजिंग का जो है ना, जितना मैं जिस तरह से करती हूँ ना, वो आप लोगों को बताऊंगी, छोटा सा क्लिप बना के आगे की वीडियो में।
ठीक है, जिसमें पूरा फेशियल नहीं होगा, ताकि आप लोगों को प्रॉपर स्टेप्स जो है ना रिलैक्सिंग वाले वो समझ आए। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो शोल्डर से लेके नेक से लेके चीक्स पर आकर और फॉरहेड पर आ रही हूँ। ये वाला जो स्टेप है ना, ओफो क्या गजब का स्टेप है, आप लोग क्लाइंट को एक बार करके देखो, मज़ा ना आ जाए तो पैसे वापस। बहुत ज़बरदस्त स्टेप है, आप लोगों को तकरीबन 8 to 9 या 10 टाइम्स एक साइड पर करना है और सेम दोनों तरफ करोगे आप, ठीक है। जब क्लाइंट को बिल्कुल सुकून हो जाए, आप लोग को लग रहा है मज़ा आ रहा है, मेरे क्लाइंट तो मज़े की बात है सो जाते हैं मेरे से फेशियल लेते लेते, तो अगर आपको लग रहा है मज़ा आ रहा है बस, तो फिर क्या बात है, हो गया हमारा काम, ठीक है। अच्छा, अच्छी तरह से इसके बाद आप लोग जो है वो अपना ठंडे पानी से, जो बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, अब वेदर चेंज हो गया है, नॉर्मल ठंडा हो उससे क्लियर। अच्छा जी, अगर हमारा ये फेशियल होता ना तो हम कर रहे होते मसाज, लेकिन हमारा है सिर्फ क्लिंजिंग, तो मैं ले रही हूँ स्क्रब। ओके, मैंने क्लिंजिंग इतना टाइटली कर लिया है ना कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि क्लिंजिंग में मसाज नहीं करना है, अब मैं ले रही हूँ सिर्फ स्क्रबिंग, ताकि अगर इनके नोज़ पे ब्लैक हेड्स हैं, इनके चीक्स पर या चिन पर कहीं पे भी ब्लैक हेड्स हैं, तो वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए और डीप क्लिंजिंग हो जाए पूरे फेस की। और ये होता है एक प्रॉपर प्रोफेशनल क्लिंजिंग का मेथड। सही से हम लोग इनकी डेड स्किन और जो ब्लैक हेड्स है या इस वाइट हेड्स है उसको रिमूव करेंगे। तो ये हम प्रोडक्ट को अप्लाई करके अपने हाथों को अच्छी तरह से वेट करेंगे और बहुत जेंटली मसाज करेंगे। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं किस तरह मसाज कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला स्टेप जो है बिल्कुल भी टाइट टाइट हाथों से नहीं करना है, याद रहे, अदरवाइज स्किन का हो जाएगा बेड़ा गरक, सत्यानाश, मतलब रैशेज हो जाएंगे, रेड रेड स्किन हो जाएगी, और जिसकी स्किन भी नॉर्मल है ना वो एक्नी और पिंपल वाली हो जाएगी। तो ये वाले स्टेप को हम करेंगे बहुत ही सॉफ्टली, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 मिनट तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, मगर नोज़ है ना, नोज़ को हमें टाइटली रगड़ना है, ठीक है। अच्छा जी, जब हमारा स्क्रबिंग हो जाएगी तो इसको अगेन हम अपने वेट स्पंज से रिमूव कर देंगे और इसके बाद हम निकालेंगे इनके ब्लैक हेड्स, ओके। और ब्लैक हेड्स निकालने के लिए यूजुअली मैं यूज़ करती हूँ ब्लैक हेड रिमूवर, ठीक है, जो मार्केट में 50-60 रुपीज़ का बहुत ईजीली मिल जाता है। अच्छा जी, तो अपने उल्टे हाथ से नाक को इस तरह से पकड़ेंगे और फिर पिन को ऊपर से चलाएंगे, ठीक है, सेम यही प्रोसीजर करेंगे। टाइटली पकड़ोगे और फिर आप लोग ब्लैक हेड्स रिमूवर चलाओगे तो बहुत इजीली आप लोगों के ब्लैक हेड्स ऊपर आके पिन में आके निकल जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पकड़ा और ऐसे ही पिन चलाया तो फिर हो सकता है कि वहाँ पर लंबी सी लाइन हो जाए, रैशेज हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो बहुत ध्यान से निकालिएगा, ठीक है। इसके बाद लगा देंगे हम इनके फेस पे मास्क, ओके। मास्क मैंने यूज़ किया एंजाइमिक मास्क, वैसे तो डर्माकॉस की एक बहुत बड़ी सीरीज है मास्क की, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लाइक एक्ने के लिए अलग, वाइटनिंग के लिए अलग, ग्लोइंग के लिए अलग। तो अभी हमने किया है सिर्फ नॉर्मल क्लेंजिंग, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँ इसका एंजाइमिक मास्क। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाकी फर्दर क्लेंजिंग, फर्दर फेशियल्स किस तरह से किए जाते हैं डर्माकॉस के, आप लोगों को मेरे चैनल पे आगे मिलते रहेंगे। अच्छा जी, तो अब आती है हमारे सवाल की बारी, तो मुझे ये बताइएगा कि मैंने फेस वॉश को क्यों यूज़ किया था, उसका पर्पस बताइएगा जो सबसे पहले मैंने बताया था। जल्दी से आके नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इस सवाल का जवाब। अच्छा जी, तो मास्क अप्लाई करने के बाद हम इसको ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट तक छोड़ देंगे, जब तक ये प्रॉपरली ड्राई नहीं हो जाता है। जैसे ही ड्राई हो जाएगा आप अगेन थोड़ा सा ठंडा पानी लेकर उसको अच्छी तरह से वेट स्पंज के जरिए रिमूव कर दोगे। अब रिजल्ट आप लोगों के सामने है। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।